नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी वर्मा। शो खास महिला व्यूअर्स के लिए बनाया गया है और इसमें हम आपकी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज पर जवाब दिलाते हैं। आज के शो में हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, वो है जयंत पाय, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जयंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। शो को आगे बढ़ाने से पहले बता दें क्या है शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। करना सिर्फ आपको ये है, अपने मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में जाकर SHE हमारा कोड लिखकर 575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। हम जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो याद रहे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें, ताकि आपका सवाल हम अगले शो में शामिल कर सकें। आप अपनी मौजूदा निवेश पर राय मांग सकते हैं या फिर कैसे शुरू करें फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। शुरुआत करते हैं। हमारी पहली कॉलर राजरानी, उन्होंने SMS भेजा है। SMS के थ्रू वो जानना चाहती हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाह रही हैं और उस पर जैन से राय लेना चाहती हैं। रिलायंस ग्रोथ और SBI कॉन्ट्रा फंड में वो 1,000 रुपए निवेश कर रही हैं और आगे चल के वो जानना चाह रही है कि टैक्स सेविंग के लिए कौन से और म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। राजरानी, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है। आपने रिलायंस ग्रोथ और SBI कॉन्ट्रा में निवेश किया है। एक्चुअली ये दोनों का परफॉर्मेंस, अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें, दैट इज 10 इयर्स प्लस, वो अच्छा है। लेकिन द रीसेंट परफॉर्मेंस अराउंड लास्ट 4 इयर्स इज नॉट वेरी गुड। इसके कई कारण हैं, आई विल नॉट गो इनटू देम राइट नाउ। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप ये दोनों स्कीम्स में आपका SIP का निवेश बंद करें। यही फंड हाउसेस के और कई अच्छे स्कीम्स हैं जिनमें आप आपका इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर सकते हो। रिलायंस में एक अच्छा स्कीम है रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़, और SBI में है SBI इक्विटी, एंड SBI मैग्नम इक्विटी इज फुल नेम। दूसरा, आपको टैक्स सेविंग के लिए ऑलरेडी आप PPF में निवेश कर रहे हो, अंडर सेक्शन 80C आपको अप टू 1 लाख रुपीज़ तक टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। सो ऑलरेडी आप जितना PPF में निवेश कर रहे हो, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट दैट अमाउंट, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है सिर्फ वही अमाउंट आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आर द बेस्ट वे टू सेव टैक्स विद इन द म्यूचुअल फंड स्पेस। और ELSS स्कीम्स जो हम कहते हैं, उसमें जो अच्छे स्कीम्स हैं, एक है HDFC का टैक्स सेवर और फ्रैंकलिन का टैक्स शील्ड। सो यू कुड चेक आउट बोथ दी स्कीम्स, एंड जितना आपका अमाउंट है सिर्फ दैट यू कुड डिवाइड इट इन विद इन दीज टू स्कीम्स। और दूसरा एक चीज़ है कि अप्रैल 1 के बाद शायद ELSS फंड्स को ये जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है वो शायद मिलना बंद हो सकता है। इसके लिए अगर आप SIP भी कर रहे हो, जस्ट डू इट टिल द मंथ ऑफ मार्च 2013 एंड नॉट बियॉन्ड दैट। जयंत, अगर अभी ये ELSS में निवेश करते हैं तो क्या अगले वित्त वर्ष में अगर कुछ बदलाव भी होते हैं DTC में, तो जो टैक्स छूट है उसका फायदा इन्हें मिलता रहेगा? वो तो मिलेगा, बिकॉज इट विल ओनली बी डन फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ऐसा नहीं कि जिन्होंने ऑलरेडी ये साल में निवेश किया उनको जो टैक्स बेनिफिट है वो मिलना बंद होगा, सिर्फ आगे के जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे उन पर नहीं मिलेगा। और दूसरा, अगर लोगों ने बहुत लंबा SIP किया है, दैट इज इफ दे डू अ 1 ईयर SIP फ्रॉम नाउ, अगेन दे कैन ऑलवेज स्टॉप द SIP इन अप्रैल, तो कोई पेनल्टी नहीं लगता है। तो अगर आपको एक लंबा SIP करना है तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज इन द बजट इफ देर आर नो चेंजेस देन यू कैन कंटिन्यू, एंड इफ इन द बजट देर आर सम चेंजेस देन यू कैन ऑलवेज स्टॉप योर SIP फ्रॉम अप्रैल। एक सवाल और पूछना चाहेंगे जयंत हम यहाँ पर, कि जिन्होंने मौजूदा फंड्स अपने बताए उनका अच्छा नहीं रहा है प्रदर्शन, अगर पिछले कुछ 3-4 साल में उनका प्रदर्शन देखा जाए तो इनफैक्ट SBI कॉन्ट्रा ने 1% का रिटर्न दिया है, जबकि रिलायंस ग्रोथ ने केवल 4.7 का रिटर्न दिया है। तो क्या इन्हें अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की जरूरत है, जो ये एडिशनल निवेश आपने बताया ELSS में, क्योंकि टैक्स सेविंग का पर्पस है यहाँ पर इसके अलावा जो मौजूदा ये निवेश कर रही हैं ऑलरेडी 2000 रुपये हर महीने, तो वो इन नए फंड्स में मिला के कुल इनका निवेश कितना लगभग हो जाए? नहीं, जैसे कि मैंने कहा, जो ऑलरेडी वो SIP कर रहे हैं इन दो स्कीम्स में, उनको पहले बंद कीजिए, और जो आगे के SIPs हैं जो वो ये स्कीम में करना चाहती थी, यू कुड शिफ्ट इट टू अनदर स्कीम विद इन द सेम फंड हाउस। अभी इसके अलावा जो आप ELSS में कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अमाउंट स्पेसिफिकली बोला नहीं कि कितना वो करना चाहती है, सो आई कैन नॉट टेल दैट। लेकिन जो वो फिलहाल जो 2000 पर महीना कर रही है, वही अमाउंट नए स्कीम में वो निवेश कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग में रिलायंस ग्रोथ और जो SBI कॉन्ट्रा में जो है, अगर चाहे तो वो अमाउंट रिडीम कर सकती है, अदरवाइज शी कुड लेट इट रिमेन फॉर सम टाइम इन द सेम स्कीम्स एंड ओनली द फ्रेश अमाउंट विल गो इनटू दीज न्यू स्कीम्स। तो राज रानी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो आपकी मौजूदा पोर्टफोलियो उसमें बदलाव की जरूरत है और आप कुछ नए फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही टैक्स सेविंग अगर करना चाह रहे हैं तो कुछ एएलएसएस फंड्स आपको जयंत ने यहाँ पर सुझाए हैं, उनमें आप निवेश शुरू कर सकती हैं। बढ़ते हमारे अगले कॉलर की ओर, ये लाइन पर इस वक्त है गौरी। सो गौरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैंने एक्चुअली पोर्टफोलियो बनाया है मेरा। मैंने SBI मैग्नम इमर्जिंग बिजनेस में 2000 डाला है, ICICI फोकस ब्लू चिप में 3500, ICICI डिस्कवरी में 2000 एंड HDFC प्रूडेंस में 2000 एंड HDFC इक्विटी में 2500। देन माय पोर्टफोलियो कैसा है और आफ्टर 15 ईयर्स मुझे कितनी अमाउंट मिल सकती है? गौरी, इस वक्त आपकी उम्र बता सकते हैं कितनी है? मेरी अभी 30 ईयर एज है। और मैडम, और एक बात मुझे पूछने की थी कि मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी किया है HDFC बैलेंस्ड और HDFC टॉप 200 में। ओके, 25,000 मैंने डाला है, 25,000 मैंने डाला है। और आपका जो नजरिया है वो लंबी अवधि का, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? यस यस मैडम, एक्चुअली मुझे 15 ईयर्स के बाद वो अमाउंट चाहिए, तो वो मुझे कितनी मिल सकती है? चलिए जयंत, जैसा कि इन्होंने बताया 15 साल का इनका नजरिया है, लंबे समय के लिए निवेश कर रही हैं। कुछ इन्होंने एसआईपीज करी हुई हैं तो कुछ इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी करे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इनके पोर्टफोलियो को? गौरी, फर्स्ट थिंग, आपने HDFC फंड हाउस में 4 स्कीम्स में निवेश किया है। यूजुअली वी सजेस्ट कि यू शुड डाइवर्सिफाई अक्रॉस फंड हाउसेज, कोई एक ही फंड हाउस में आपका बहुत ज्यादा हिस्सा ना हो। लेकिन HDFC इज इंडियाज बेस्ट फंड हाउस करेंटली। तो और आपने जो भी स्कीम्स में निवेश किए हैं, वेदर इट इज SIP और अ लमसम, ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कोई स्कीम से SIP बंद करना चाहिए या रिडीम करना चाहिए। जस्ट कीप अ क्लोज वॉच ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दी स्कीम्स। यूजुअली वी शुड रिव्यू द पोर्टफोलियो वंस अ ईयर। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम रिव्यू करते हो, अगर आप ये देखते हो कि इनका परफॉर्मेंस थोड़ा निराशाजनक होते जा रहा है, तो आप तभी चेंज कर सकते हो। एज ऑफ नाउ नो चेंज इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा मैं देखा है कि आपका जो पोर्टफोलियो है दैट हैज कपल ऑफ वेरी एग्रेसिव फंड्स। ये ICICI प्रूव डिस्कवरी और SBI का इमर्जिंग बिजनेस, ये दोनों का परफॉर्मेंस हाल ही में बहुत अच्छा रहा है। लेकिन इनका जो बेसिक एक फीचर है दैट इज इट्स अ मिड कैप फंड। ये दोनों मिड कैप फंड्स है and within mid caps they choose some stocks which could be very volatile. तो इसके कारण जो फंड का परफॉर्मेंस है वो इट मे हैपन दैट ये जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो आगे जाके थोड़ा चेंज हो सकता है, बट दैट इज नथिंग टू डू विद द स्कीम गोइंग बैड, इट्स जस्ट द फीचर ऑफ द स्कीम। तो अगर आप ऐसे स्कीम से अगर कंफर्टेबल नहीं हो, सो यू कुड स्विच टू समथिंग वेयर द वॉलिटिलिटी इज लेस। लेकिन अभी क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, सजेस्ट टू स्टे इन्वेस्टेड बट कीप अ क्लोज वॉच ऑन बोथ दीज टू स्कीम्स इन पर्टिकुलर एंड एनीवे रिव्यू पोर्टफोलियो वंस अ ईयर। दूसरा, आपने पूछा कि 15 साल में आप कितना आप जुटा सकते हो। मैंने अनुमान लगाया कि इफ यू अर्न एट अराउंड 11% पर एनम ऑन एवरेज, तो आपको 15 साल में अराउंड 62 lakhs आपको यू कैन एक्यूमुलेट दैट अमाउंट। जी, तो गौरी, आपको जवाब मिल गया होगा। जो आपका मौजूदा पोर्टफोलियो है उसमें काफी अच्छे फंड्स हैं, लेकिन क्योंकि उनमें से 2 फंड्स मिड कैप के हैं और काफी अग्रेसिव होते हैं ये फंड्स, तो लॉन्ग टर्म में ही आपको एवरेजिंग का फायदा मिलेगा। हालांकि आपका नजरिया 15 साल का ही है, तो निवेश आप बरकरार रखें, लेकिन नियमित रूप से उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और जो आपका लक्ष्य है, इनफैक्ट आप अगर इसी हिसाब से 15 साल तक 13,500 रुपये हर महीने निवेश करती रहेंगी तो आपके कम से कम 65 से 68 लाख रुपए आप जमा कर पाएंगे। आप नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहें। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, ये मंजू हैं, इन्होंने भेजा है सवाल। टाटा AIG का महा लाइफ कूल पॉलिसी इन्होंने खरीदी है 12,000, जिसका प्रीमियम ये भर रही हैं। जानना चाह रही हैं कि अब फरवरी में इनको अगला इंस्टॉलमेंट देना है और आगे चल के इस पॉलिसी को इनको निवेश बरकरार रखना चाहिए या फिर इसमें से कुछ एग्जिट करना चाहिए। ये इस एक तरह का रिव्यू चाहती है। जयंत, कैसे देखते हैं, कैसी पॉलिसी है? मंजू, ये एक होल लाइफ प्लान है। इसके तहत आपको अप टू द एज ऑफ 100 आपको लाइफ कवर मिलेगा और इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म जो कहते हैं वो 15 साल का है। जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से विद इन 1 ईयर कि ये अच्छा है कि नहीं है। और दूसरा है कि निवेश करने से पहले हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स के जैसा नहीं है कि हम लोग अगर निवेश करें और अगर परफॉर्मेंस खराब हो तो हम लोग आसानी से निकल सकते हैं। तो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू नो ऑल द फीचर्स बिफोर यू इन्वेस्ट एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स। दूसरा ये है कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी और ऐसे कई एंडोमेंट, मनी बैक और होल लाइफ प्लान्स में मिनिमम 3 इयर्स का एक प्रीमियम पेइंग पीरियड होता है। अगर आप 3 साल के पहले अगर पॉलिसी का प्रीमियम भरना बंद करें तो इट इज़ नोन एज अ लैप्स पॉलिसी। और अगर आप कुछ सरेंडर करके एक पैसा वापस लेना चाहते हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट इवन इफ यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द पॉलिसी, पे द प्रीमियम फॉर 2 more years एंड उसके बाद एक सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगा। ऑफकोर्स द सरेंडर वैल्यू विल बी वेरी लो, मोस्ट लाइकली यू विल बी मेकिंग अ लॉस इवन आफ्टर दैट, बट एटलीस्ट इट विल बी बेटर देन जीरो। और अगर आप को लग रहा है कि पॉलिसी अच्छी है देन यू शुड पे द फुल 15 इयर्स एंड स्टे विद द पॉलिसी। सो व्हाट आई सजेस्ट एटलीस्ट आगे जाके बी वेरी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच पॉलिसीज, बट व्हाट यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड आई सजेस्ट यू कंटिन्यू विद दैट। जी जयंत, तो आपको उम्मीद है कि आपका सवाल का जवाब मिला होगा। जो पॉलिसी आपने खरीदी क्योंकि उसमें अभी केवल 1 ही साल हुआ है तो बहुत जल्दी आपको नहीं करनी चाहिए, कम से कम 3 साल तक आपको इस पॉलिसी में निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एक लंबी अवधि का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए जल्दी या कम समय में आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो कम से कम 3 साल तक आप इसमें निवेशित रहिए और अभी 2 साल और आपको इसमें पूरे करने चाहिए। पॉलिसी के कुछ फीचर्स है जो आप स्क्रीन पर देख सकती हैं और इसी नोट पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। ये शो एक्सक्लूसिवली महिला व्यूवर्स के लिए बनाया गया है। आप चाहे हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग फीमेल, आप इस शो में अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है, करना सिर्फ आपको है अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHE हमारा कोड अपना सवाल 575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी हम तक आपके सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@zeenetwork.com। जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम अगले शो में शामिल कर सकें। और इसी के साथ बढ़ते हमारे अगले कॉलर की ओर। इस वक्त लाइन पर है ज्योति। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। अभी करेंटली मैं टाटा AIG गोल्ड ग्रोथ फंड और HDFC टॉप 200 में निवेश कर रही हूँ। टाटा AIG में 2000 पर मंथ है और HDFC टॉप 200 में 2500 और एक RD है 2500 की। मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टाटा AIG गोल्ड ग्रोथ फंड और HDFC टॉप 200 कैसे फंड्स हैं, और इसके अलावा मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ म्यूचुअल फंड्स में। तो मेरे को 2 से 3 कुछ और अच्छे म्यूचुअल फंड। एक चीज आप यहाँ पर बताइए, जो आपने 2 फंड्स बताए इनमें कितना समय हो गया आपको इन्वेस्ट करे हुए? ये जो AIG गोल्ड ग्रोथ फंड है ये तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। जी ओके। एंड ये HDFC टॉप 200 ये मैंने 2-3 महीने पहले से ही चालू करा है, मतलब शुरू करा है। तो मेरे को मतलब अपना पोर्टफोलियो आई एम जस्ट प्लानिंग टू। आपको कुछ अपना SIP अमाउंट बढ़ाने की भी आप सोच रही हैं? कुछ अमाउंट बढ़ाना चाहेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का? मतलब एग्जिस्टिंग फंड्स में बोल रहे हो आप? एडिशनल जैसे आपने हाँ जी रिटायरमेंट से रिलेटेड आपका सवाल है, तो कुछ और RD के अलावा आप आगे कुछ निवेश करने की सोच रही हैं? हाँ हाँ, एक्स्ट्रा 10,000 मेरे को निवेश करना है जी। तो उसके लिए 2 से 3 अगर कोई अच्छे फंड सजेस्ट कर सकते तो फिर। ज्योति, इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? 35। ओके, चलिए आपको राय दिताते हैं। जयंत, जैसे कि आप देख सकते हैं इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल 2 ही फंड्स हैं जिनमें ये नियर अबाउट 4500 रुपीज हर महीने निवेश कर रही हैं, लेकिन आगे चल के ये 10,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश करना चाहती हैं और रिटायरमेंट को देखते हुए ये आगे बढ़ना चाह रही हैं। साथ ही इन्होंने एक RD खोली हुई है 2,500 रुपये की। तो कैसे देखते हैं इनके पोर्टफोलियो को और क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? ज्योति, आपका एज देख के मुझे लग रहा है कि आप सही राह पे हो, क्योंकि यू आर इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ योर मनी इनटू इक्विटी। लेकिन आई बिलीव यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस AIG गोल्ड ग्रोथ फंड। एक्चुअली कई लोग समझते हैं कि ये गोल्ड में निवेश करता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। इट इज़ अ फीडर फंड जो गोल्ड स्टॉक्स में निवेश करता है, दैट इज गोल्ड माइनिंग कंपनीज। सो दिस इज नॉट द सेम एज अ रेगुलर गोल्ड फंड। मुझे लगता है कि भले इसका परफॉर्मेंस लास्ट 2 साल में ठीक है, बट आई थिंक यू शुड नॉट कंटिन्यू इन दिस फंड। बिकॉज इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. तो अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हो तो देर आर अदर ईजियर वेज ऑफ डूइंग इट, जैसे गोल्ड ETFs है या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है. तो आप इससे शिफ्ट करके कोई अच्छे गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कोटक एंड रिलायंस, उनके गोल्ड ETFs भी हैं और म्यूचुअल फंड्स भी हैं. तो अगर आपको SIP करना है तो उनके गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो. सेकेंड इज कि आपका HDFC Top 200 इज अ गुड फंड. हाल ही में उसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब है, बट आई सजेस्ट यू स्टे इन्वेस्टेड इन दैट बिकॉज इट हैज अ वेरी डिसेंट लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड. नाउ कमिंग टू योर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, जो 10,000 है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कोई लार्ज कैप फंड नहीं है, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट वन लार्ज कैप फंड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. सो ये 10,000 में से अराउंड 5,000 यू कुड इन्वेस्ट इन अ गुड लार्ज कैप फंड such as Franklin Blue Chip, HDFC Sensex Plus और DSP Top 100. इन तीनों में से कोई एक आप चुन सकते हो एंड स्टार्ट अ मंथली SIP ऑफ 5,000 इन दैट. और जो एडिशनल 5,000 है, सिंस यू हैव अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपका रिटायरमेंट एज आप कह रहे हो कि यू वांट टू रिटायर एज ऑफ 55, सो यू कुड चूज अ गुड मिड कैप फंड. तो IDFC प्रीमियर इक्विटी एक अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो आप HDFC मिड कैप भी देख सकते हो. यू आर सेड यू वांट टू रिटायर एज ऑफ 55 एंड ऑल्सो यू वांट मी टू एस्टिमेट द पेंशन. तो whenever we estimating the pension, there are three things that we have to look at. एक तो आपका रिटायरमेंट एज और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ऑलरेडी आपने कहा है कि आपको 55 पे रिटायर होना है. अज्यूमिंग यू लिव टू द एज ऑफ से अराउंड 75 to 80, सो यू हैव अनदर 20 ईयर्स टू लिव ऑन विच यू शुड गेट अ मंथली इनकम. सेकेंड इज वी हैव टू लुक एट व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू विल बी गेटिंग. एंड सेकेंड इज कि आपको अगले 20 साल में कितना अमाउंट जुटाना है ये पेंशन कमाने के लिए. तो मैंने ये अनुमान लगाया कि अगर आप ये महीने से 14,500 निवेश करते हो, एज यू वांट टू इन्वेस्ट 10,000 मोर एंड ऑलरेडी 4,000 आप निवेश कर रहे हो, सो यू कुड एक्यूमुलेट अ सम ऑफ अराउंड 1.25 करोर्स बाय द एज ऑफ 55. नाउ फ्रॉम द एज ऑफ 55 टू अराउंड 75 टू 80, दिस मनी विल बी स्पेंट एंड कन्वर्टेड इनटू मंथली इनकम. तो मैंने अनुमान लगाया कि इफ़ यू अर्न अ रिटर्न ऑफ अराउंड 2% आफ्टर इन्फ्लेशन, तो आपको अराउंड 52,000 रुपये पर महीना मिल सकता है जी. सो आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक. यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट इन अ डिसिप्लिन मैनर एंड हैव अ गुड मिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. तो इसलिए मैं कहता हूँ तो एक या दो लार्ज कैप फंड्स आप शामिल करो. तो ज्योति, जो आपने पोर्टफोलियो तक बनाया है उसमें थोड़े से बदलाव की जरूरत है. 10,000 का जो अतिरिक्त आप निवेश करना चाह रहे हैं हर महीने, वो आप किसी लार्ज कैप फंड में कर सकती हैं. कुछ फंड्स आपके सामने है इस वक्त स्क्रीन पर, आप उनमें 5,000 की 2 SIP शुरू कर सकती है. साथ ही जो RD आपने शुरू की है उसमें आप निवेश अपना बरकरार रख सकती है और आगे बढ़ सकती है, ताकि रिटायरमेंट तक आपकी एक अच्छी रकम जमा हो जाए. इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. ये शो का लास्ट सेगमेंट है, कुछ और कॉलर्स को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें क्या है शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है. करना सिर्फ आपको ये अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाके SHA हमारा कोड लेके 57575 पर भेजना होगा. इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती है. हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे. और अब अगली कॉलर है इस वक्त लाइन पर टीनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. मैम मेरा सवाल है कि my portfolio is ICICI Focus Equity 2,000 रुपीज पर मंथ. हाँ, डिटेल्स आपने बताई हैं, आप थोड़ा शॉर्ट में अपना सवाल पूछ सकती हैं. हेलो, हाँ टीनू, आपने ईमेल में जो आपने पोर्टफोलियो बताया था वो हम जानते हैं. उसके अलावा आप आगे किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रही हैं, क्या चेंजेस आप इसमें मान रही हैं? मैं कुछ मतलब अपना पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करूँ जी, चालू करूँ. चलिए ठीक है टीनू, आपको राय दिलवाते हैं. जयंत, आपने इनका पोर्टफोलियो अगर देखा है तो बताएंगे किस तरह से आप देखते हैं इनके पोर्टफोलियो को, और आगे चल के जैसे इन्होंने बताया कि टर्म प्लान भी इन्होंने लिया हुआ है अपने नाम पर, और एक LIC की भी बीमा गोल्ड पॉलिसी इन्होंने ली है, साथ ही कुछ RD में भी निवेश कर रखा है. तो अभी इनकी उम्र है 31 साल, तो आगे चल के किस तरह से देखते हैं कि क्या चेंजेस की जरूरत है इनके पोर्टफोलियो में? Tino, I have seen that you are having lot of long-term goals, that is goals which are 10 years plus. लेकिन आपका जो portfolio है, that is not suited for that. For example, आपने कई ऐसे endowment plans लिए हैं, जैसे बीमा गोल्ड है, ये ICICI का एक लाइफटाइम सुपर, एक यूलिप है, बट आप मुझे मालूम नहीं आपने कौन सा ऑप्शन चुना है इसमें. प्लस आपने जो रिलायंस का मनी गारंटी फंड है उसमें भी कोई इक्विटी शामिल नहीं है. So all these schemes are not suited for long-term goals. These are at the best suited for something which a goal which is there over the next 4 or 5 years. तो भले अभी आप ऑलरेडी इसमें निवेश कर चुके हो, सो आई सजेस्ट दैट यू स्टे इन्वेस्टेड. अगर चाहिए तो इनको आप फुल्ली पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट लेकिन उसके लिए भी मिनिमम आपको 3 साल का प्रीमियम भरना होगा सब में. और आपने कहा है कि आईसीआईसीआई में आपने 7 इयर्स तक का भरा है, सो अगर आपको उसमें रिडीम करना है तो आप कर सकते हो. जो आईसीआईसीआई का फोकस इक्विटी है, दैट्स अ गुड स्कीम, सो यू कुड स्टे इन्वेस्टेड. सो ओवरऑल आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में यही महीने से निवेश करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे, बिकॉज ऑल दीज गोल्स आर 18 to 20 इयर्स. दूसरा आपका जो टर्म प्लान है, यू हैव टेकन 3 term plans बट द टोटल कवर इज ओनली 10 lakhs, तो इट इज़ टू लेस. आपने ये भी कहा आपका हस्बैंड का इनकम अराउंड 9.5 लाख है, सो यू शुड टेक अ कवर ऑफ एटलीस्ट से 8 to 10 times ऑफ दैट कवर. सो अराउंड 1 crore का कवर की ज़रूरत है आपके हस्बैंड को. आजकल जो ऑनलाइन टर्म प्लान्स मिलते हैं एगॉन और अवीवा के जरिए, they are the cheapest online plans available in India. तो I suggest you just go to the websites and check it out. अगर आपको एजेंट के थ्रू करना है तो आप यही 2 companies के एजेंट के थ्रू भी अगर करेंगे तो भी आपको काफी सस्ते में एक अच्छा कवर मिलेगा. जी जयंत, एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे. लाइव टर्म प्लान जैसे इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बताया कि इन्होंने 3 अलग अलग कंपनियों से टर्म प्लान लिया जिसका कुल कवर 10 लाख 15, इनकी सालाना आय भी लगभग उतनी है 9.5 लाख के आसपास. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो बाकी दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं शो को कि एक ही कंपनी से एक बड़े कवर का अमाउंट लेना चाहिए या फिर अलग अलग कंपनियों से, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए बीमा लेते वक्त? देखो, IRDA के तहत सभी कंपनी सेफ है, सो यू शुड नॉट थिंक दैट वन इज सेफ एंड अदर इज नॉट सेफ एंड टू डिस्ट्रीब्यूट इट ओवर मेनी कंपनीज, क्योंकि उससे आपको ट्रैक रखने में दिक्कत होगी. सो आई सजेस्ट यू टेक अ बिग कवर फ्रॉम एनी वन कंपनी. एंड ऑनलाइन टर्म प्लान जो देते हैं, आई सजेस्ट यू सीरियसली चेक दैट. अगर आपको नए कंपनी से नहीं लेना है तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी आजकल ऑनलाइन टर्म प्लान ने शुरू किया है, तो यू कुड चेक दैट ऑल्सो. LIC has not yet started an online term plan, so whenever they start that could be also a good option. And एक thumb rule है insurance लेते वक्त कि at least the policy should be 8 to 10 times your current annual income. तो इसलिए मैंने कहा कि आप 1 crore तक का ले सकते हो. और दूसरा, I think you have taken these policies in your name, ये जो term plans है, and that is completely, it is of no use, क्योंकि आप you are not an earning member. तो अगर आपका इनकम नहीं है तो इट डज नॉट मेक सेंस टू टेक टर्म प्लान्स इन योर नेम. इसलिए मैं कहता हूँ आपके हस्बैंड के नाम पे एक बड़ा कवर ले लो. जी जयंत, तो टीनू, जैसे कि आपको जयंत ने भी राय दी है कि बहुत सारे टर्म प्लान से बेहतर होता है कि आप बड़ा कवर लें, क्योंकि आपकी जो सालाना आय है उसका कम से कम 10 गुना या 10 से 12 गुना आपका कवर होना चाहिए. तो आपके हस्बैंड के लिए आप एक टर्म प्लान ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन ईगॉन या फिर अवीवा में से कोई भी कंपनी का. आप सस्ते मतलब कम प्रीमियम देकर आप बड़ा कवर मिल जाएगा आपको बाजार में, और इसके साथ आप आगे बढ़ सकती हैं. और जो मौजूदा आपका निवेश है उस पर नियमित रूप से आप उसको मॉनिटर करें. इसी नोट पर शो को यहीं वाइंड अप करेंगे. जयंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए. अगले हफ्ते फिर आएंगे कुछ और सवालों के साथ. आप देखते रहिए जी बिजनेस.